26 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल, शादियों में मेहमान भी आ सकेंगे। मीडिया केस में पी चिदंबरम की याचिका पर ईडी को अदालत का नोटिस, 9 अगस्त तक मांगा जवाब। सीएम योगी समेत दोनों उपमुख्यमंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में बीजेपी, कई बड़े चेहरों को भी पार्टी में दिए जाएंगे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को मिल सकती है छूट। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ के कैसरबाग स्थित सीएमओ ऑफिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने तबादला नीति को लेकर प्रदर्शन किया। बताते चले कि प्रदर्शन कर्मियों ने मनमाने तरीके से किए जा रहे स्थानांतरण करने को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। साथ ही साथ ये लोग कई दिनों से सीएमओ ऑफिस पर विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में महिला स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। 16 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य भवन में सभी लोग इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को लेकर घेराव करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इसके आगे हम लोग पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सीतापुर जनपद के बाढ़ क्षेत्र एरिया में लगभग 10 दिनों से घाघरा नदी उफान पर है, जिससे ग्रामीणों के घर सहित खेती की जमीन भी बाढ़ में डूब गई है। मगर जिला प्रशासन के द्वारा कागजों पर बाढ़ के लाखों रुपए का पता भी नहीं चल पाया है। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय भी इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहीं कई घर सहित प्राथमिक विद्यालय पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उससे लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिला है। क्या नाम है? पुतिला। कहाँ रहते हो? यह है गाँव में फौजदारपुर। जमीन वमीन कटी है? जमीन सब कट गई, जमीन ना है उस वक्त। अच्छा, फौजदारपुर में? हाँ, फौजदारपुर। आपको घर कट गया? हाँ, घरों कट गया। कहाँ रह रहे हो? ये सड़क पर, रोड पर है। कोटेदार गल्ला नहीं दे रहा? हाँ हाँ, गल्ला कोटेदार हमारे काटू ना। कोई अधिकारी सुना है? नहीं सुना आपकी बात। अधिकारी कोई होते ना तो सुना ही है? कोई नहीं आता, कोई नहीं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ताज नगरी आगरा में श्रद्धालु पूरे विधि विधान से पूजा करते मिले। आगरा के पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को प्रसाद बांटा गया। हवाई सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, जिसके लिए हमारे द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए एक दिन का भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और आगे भी हमारी सोसाइटी इस तरीके से भंडारे का आयोजन करती रहेगी और गरीब असहाय लोगों की मदद करती रहेगी। पारसनाथ पंचवटी परिवार ने आज यहाँ पे भंडारे, पूड़ी, सब्जी, फल, शीतल जल का राहगीरों में वितरण करके जो आत्मिक शांति का अपने को प्रयास किया है, वास्तव में ऐसे लगता है कि जीव जंतु की सेवा करो, राहगीरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, तभी आपका जीव। अलीगढ़ के कुआरसी इलाके में पानी की लाइन में लीकेज हो गई। पानी के पाइपलाइन में लीकेज की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नल से गंदा पानी आ रहा है और यही पानी पीकर कई बच्चे इस वक्त बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों में इस गंदे पानी को लेकर आक्रोश पनप उठा है और केलानगर चौराहे पर भारी तादाद में जाम लगाकर लोगों ने धरना दिया है। इसकी जानकारी जब समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को हुई तो वह भी अपने दल के साथ वहां पहुंच गए, जहां सपा के नेता भी अपने धरने पर बैठ गए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराया। हम अधिकारियों से इससे पहले भी कह रहे थे कि जो पानी जो है गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, इससे पहले भी मैंने अवगत कराया था, नगराज्यू का अवगत कराया था,
और क्या क्या, मैं जीएम नल को अवगत कराया था, कम से कम पानी इतना गंदा आ रहा है और पानी की कंडीशन ये है। जीएम नल का स्विच ऑफ है, नगराज्य का स्विच ऑफ है और अलीगढ़ के मेयर तो लगता है ऐसे, मुझे अलीगढ़ के मेयर गायब हो गए हैं अलीगढ़ से, उनको कोई जनता की परवाह नहीं है। वोट लेने तक उनको परवाह थी, उनको कोई परवाह नहीं है। कई फोन लगा चुका हूँ, अधिकारियों से कह चुका हूँ, कोई सुनने बोलने के लिए तैयार नहीं है। गूंगी बैंगी बैरी है सरकार, ठोको नीति वाली सरकार, स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ लूटने का काम कर रही है। ये जो अभी हमारे जीवनगढ़ में कुछ साथियों ने, बल्लू भाई ने, लतीफ भाई ने फोन किया कि पानी में खराब पानी आ रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है और इतना हैजा फैल रहा है, इनके खिलाफ नगर FIR होनी चाहिए, नगर निगम के खिलाफ और MNA के खिलाफ और मेयर के खिलाफ FIR होनी चाहिए भाई, ये इन्होंने लूट मचा रखी है यहाँ पर। हाँ करेंगे साहब, मौका लगा तो आइए। औरैया के बिधुना कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने डेयरी संचालक की गाड़ी से लाखों रुपए उड़ा लिए। गाड़ी से लाखों का बैग उड़ाते समय चोरों की ये हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरों की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फिलहाल कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, जयप्रकाश दक्षिणपुरिया के निवासी हैं, इनके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई मिथुना में कि कल इन्होंने 2,25,000 रुपये सेंट्रल बैंक मिथुना से निकाले थे और अपनी ओमनी वैन में इनके 3 साथी थे लेकर के जा रहे थे। दिव्यापुर तिराहे पर जब पहुंचे तो वहां पर सौर ऊर्जा की एक दुकान है, वहां पर बैटरी खरीदने के लिए लोग उतरे और पैसे वाला बैग वहीं गाड़ी में ही छोड़ दिया और गाड़ी को लॉक करना भूल गए। इसी का फायदा उठाते हुए वहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा BJP में शामिल होने के बाद पहली बार गृह जनपद जौनपुर आगमन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के प्रमुख नेता कृपा शंकर सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जनपद के 51 स्थानों पर कृपा शंकर सिंह का अभिवादन किया गया। अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह और विशिष्ट अतिथि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शामिल रहे। कृपा शंकर सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ज्वाइन की है और राष्ट्रवाद विषय पर मुझे राजनीति करनी है और भाजपा देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने बताया और पहले भी जब इस्तीफा दिया तो मैंने बताया था, पार्टी से बड़ी राष्ट्र होता है, राष्ट्र बड़ा है हमारे लिए। 5 अगस्त 2019 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया कि 370 अनुच्छेद 35A हटाया जा रहा है तो करोड़ों देशवासियों ने, उनको बड़ा राहत मिली, बड़े प्रसन्न हुए, उत्साह बढ़ा कि आज कश्मीर हमारा है। उसी में कृपा शंकर थे, मैंने अपनी बात कही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हो, बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलता। के साथ रहने वाले दल है, हमारे नेता जिनके नाम पर, जिनके काम पर, जिनके चेहरे पर हमने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया है, देश और प्रदेश में हम सरकार बनाकर। गोरखपुर से सांसद रवि किशन जौनपुर पहुंचे, यहां उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त अब सबको ब्राह्मणों की याद आ रही है, सत्ता पाने के बाद लोग ब्राह्मण समाज की तरफ देखते भी नहीं है, सपा बसपा अब जनेऊ पहनकर वोट मांगेगी, राहुल गांधी भी कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करेंगे। राहुल कहते हैं कि उन्हें यूपी के आम नहीं पसंद और यूपी वाले कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस नहीं पसंद। सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है और सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है वो ब्राह्मण की बेटी का, इसका जवाब है इनके पास। क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों के साथ? सब छोड़िए, मैं रवि किशन शुक्ल, मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया? 1,00,000 लोगों को रोजगार भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से दिया। कभी इनकी सरकार में मुझे सम्मान मिला? मैं उत्तर प्रदेश का, मैं इसी माटी का, कभी मुझे इन्होंने अपने दरवाजे पर खड़ा करके किसी का एक पद, इन लोगों ने एक एक सम्मान, इनके यहाँ पर एक सम्मान चलता था, उसकी राशि भी मिलती थी, धनराशि भी मिलती थी, उस सम्मान का क्या नाम था, यश भारती सम्मान, हमको कभी लोगों ने पूछा नहीं। ब्राह्मण किसी लालच में नहीं आता, तो ये लालच का झुंझुना बहन जी या मिश्रा जी जो दे रहे हैं, या समाजवादी पार्टी दे रही, या आप कांग्रेस भी देगी, वो भी जनेऊ पहन के, राहुल जी भी अब घूमेंगे, देखेगा कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के,
आपके कितने बच्चे, ये नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं वो बोल रहा था। लेकिन इन लोगों ने लाने नहीं दिया विधेयक, और मुझे पूरा पता चला है कि कांग्रेसियों ने प्लान कर दिया कि रवि किशन के विधेयक को लाने नहीं दिया जाएगा, जब भी मेरे विधेयक की डेट पड़ेगी हंगामा। रायबरेली में स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी पर आज डीएम वैभव श्रीवास्तव निरीक्षण करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। डीएम के निरीक्षण से अस्पताल के लोगों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में मिली खामियों को देखते हुए डीएम खासा नाराज हुए और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। साथ ही डीएम ने वहां मौजूद मरीजों और ईमानदारों से बात की और स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर को भी चेक किया गया। मेरा नाम रामदीन है, मेरे भाई शिवलाल की लड़की का एक्सीडेंट 3 दिन पहले हुआ था। ये जिला अस्पताल लेकर के आए 4 बजे लगभग, 3 दिन पहले 4 बजे लेकर के आए। डॉक्टर प्रदीप कुमार श्री अग्रवाल देखे, एक बार देखा, उसके बाद लगातार उसको उस अनाथ जैसा छोड़ दिया। आज तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आज सुबह जब देखे तो उसको रिफर कर दिया। हम मरीज को अपने ले जा करके, बिटिया को ले जा करके डीएम साहब के यहाँ शिकायत किया है। उसके पश्चात डीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है, आकर के अस्पताल का निरीक्षण किया, भरोसा दिलाया कि आपकी बच्ची का इलाज ठीक से हो जाएगा। नियमन पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो बाहर से दवाएं लिखने का जो प्रकरण कहा जा रहा है, तो डॉक्टर से पूछा गया था, नियमन से बताया सारी दवाएं यहीं से उपलब्ध हैं और वो अपने स्तर से जाँच करेंगे। और हमने कहा है कि जो भी ऐसे मेडिकल सफा लेकर है उनकी पहचान के लिए वहाँ। रायबरेली में समाधान दिवस पर आईजी लक्ष्मी सिंह हरचंद्रपुर थाने पहुंची, जहां आईजी ने थाने में बैठकर फरियादियों की फरियादें सुनी। इसके बाद फरियादियों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने के उन्होंने आदेश जारी किए। इसके साथ आईजी लक्ष्मी सिंह ने कई थानों का निरीक्षण किया और थानों में मिली कमियों को भी दूर करने को निर्देशित किया है। थाना समाधान दिवस आज आयोजित किया जा रहा है और शासन के निर्देशन के अनुरूप आज जनपद रायबरेली के 2 थानों का निरीक्षण किया गया है। उसमें रूगल के भी थानों का निरीक्षण किया गया है। पिछली जितनी भी पेंडेंसी है उसका निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन उसकी गुणवत्ता रखने के लिए कमेटी बना के सत्यापन कराने के। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। शाहजहांपुर में शासन की अपील का असर भी दिखाई दिया है। जिन मंदिरों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, अब उन मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तपोभूमि पटना देवकाली स्थित भगवान भोलेनाथ के पौराणिक शिवलिंग पर श्रावण मास के कांवड़ियों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता रहा है। इस बार शुक्राचार्य की तपोस्थली में भी कोरोना का काफी असर देखने को मिल रहा है। इस पौराणिक स्थल पर सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। वहीं मंदिर के महंत का कहना है कि इस बार कोरोना की लहर को देखते हुए सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर मेले के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से इस बार श्रद्धालु मंदिर में कांवड़ यात्रा के साथ जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रशासन ने काफी इंतजाम कर दिए हैं और 50 लोगों के लिए अनुमति दी जाएगी जी। लेकिन बाहर के जो दर्शनार्थी आए उनके लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ना किसी को हो सकता ना भी आए जी। जो क्षेत्रीय जलाभिषेक है वो जलाभिषेक करेंगे, मेले में कोई वो नहीं होगा जी, किसी से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। ताज नगरी आगरा में समाधान दिवस पर आईजी जोन नवीन अरोड़ा थाना इत्मादौल्ला पहुंचे। आपको बता दें कि समाधान दिवस में पीड़ितों की शिकायतों का निस्तारण जल्द करने के उन्होंने आदेश जारी किए हैं। आईजी जोन ने थाने में मालखाना, बेरिक, मेस, बंदीगृह सहित असलाहों का के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। औरैया के अरवा कचरा इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां तालाब में 3 बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान एक बच्चा उसमें डूब गया। घटना के बारे में लोगों ने परिवार वालों को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने बच्चे को बाहर निकलवाया है। जो मतलब अपने मोदी के आज प्रोग्राम था, कहाँ आया था पता नहीं, किसके संख्या घूमने निकल गया। कौन था ये आपका? नाटी। क्या नाम है? अक्षय कुमार। पहले क्या लड़का फंड में नान लोग आया मतलब घर निकल आओ लड़का। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में अंतर जनपदीय कार चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी से लाखों के कार बेचने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोरों के पास से पुलिस ने तवंचा और कारतूस को भी बरामद किया है। 3 जुलाई को शाम के समय थाना खुर्जा नगर की पुलिस
नियमित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच एक सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि एक गाड़ी जो कहीं से चोरी हुई है उसके साथ कुछ व्यक्तियों का क्षेत्र से गुजरना संभावित है। इस विशिष्ट सूचना पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चला गया। इस चेकिंग के दौरान एक स्थान पर अग्वाल कट के पास में एक इको गाड़ी संदिग्ध पकड़ी गई, रोककर चेक किया गया। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे, उनके पास से शस्त्र भी बरामद हुए और गाड़ी जिस जो उनके पास। वहीं कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सदस्यों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्यों ने ई रिक्शा चालक को नशीला पदार्थ खिलाया, इसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। फिलहाल चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। देखिए, आज एक ये गैंग वर्कआउट हुआ है जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो कि जहर खुरानी करके ई रिक्शा लूटने का कार्य करते थे। जो मोबाइल फ़ोन ये चालक के अपने पास रख लेते थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार थी कि ये शिवली जाने के लिए ई रिक्शा बुक किया करते थे, रास्ते में ये नशीला पदार्थ मिला करके कोल्ड ड्रिंक में मिला करके दे दिया करते थे चालक को, जिससे वो बेहोश रहता था और फिर लूट करके वहाँ से ई रिक्शा चले जाया करते थे। जी, ये 4 व्यक्ति एक ही गैंग के हैं। लगातार 3 घटनाओं में सबने साथ में। रामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही सूचना के मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे पास जो जिला अस्पताल में बॉडी आई है उसमें से 3 तो डेथ है, डेथ होकर आई है, क्लियर डेथ है, और 2 जो है वो गैस्ट्रिक कंडीशन में है, क्योंकि हमने जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है जी, और रिफर भी किया जा सकता है। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके में लोगों की शिकायत पर पुलिस ने फर्जी सिपाही समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली कि फर्जी सिपाही ने घूम घूम कर इलाके के लोगों को काफी ज्यादा धमकाया था। वहीं पुलिस ने फर्जी सिपाही के पास से आईडी कार्ड के साथ अवैध तमंचा को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अभिषेक पांडे नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि अपने आप को पुलिस का कर्मी बताता है और उसके पास से फर्जी आई कार्ड होते हैं जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया है थाना कोतवाली नगर में। यहाँ 419-20-467-68-471 धारा लगाई गई है। इस लड़के का जो पिता है वो बंदी रक्षक थे जो पहले यहाँ पे सुल्तानपुर में बीते दिनों बैंक फ्रेंचाइजी पर युवक की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल एक युवक को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट के 3,000 रुपए को भी बरामद किया है। वही घटना में शामिल अन्य बदमाश मौका देकर फरार हो गया। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाश पर लूट समेत कई मामलों में पहले से ही केस दर्ज है। फिलहाल बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। एक अभी अपराध हुआ था, ये थाना दोस्तपुर में 13/7/2021 को आपने सुना होगा कि ग्राहक सेवा केंद्र में गोली मार के और लूट किए थे। उसी दिन लगातार 3 घटनाएं हुई थी, एक कादीपुर में हुई थी, 2 दोस्तपुर में ही हुआ था घटना। इस संबंध में एक अपराधी पकड़ा गया है जिसका नाम है माधवेश तिवारी जो कि कादीपुर थाना के रहने वाला है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास भी हैं, इसके साथ इसने अपराध स्वीकार किया है अपना और इसके साथ 315 बोर का तमंचा और कुछ। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से साइकिल सवार काफी दूर जाकर गिरा और मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं सूचना के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक पप्पू सिंह, उप निरीक्षक और कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। इधर परिजनों को भी मामले की सूचना दी गई जिससे कुछ समय बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस घटना से मृतक के परिवार वाले सदमे में हैं।
बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष मनीषा सिंह ने आपके पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष मनीषा सिंह ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं आप पार्टी के आला कमान से इस मामले में कार्यवाही की बात की जा रही है। बुलंदशहर में कोरोना महामारी के चलते गंगा घाट पर श्रद्धालु डेरा डाले हुए हैं। कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार कर अनूप शहर के गंगा तट पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर हर हर गंगे के जय घोष के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद आश्रम में विधि विधान से गुरुओं का पूजन किया गया। आश्रम में हवन यज्ञ के बाद भंडारे भी आयोजित किए गए। लोगों ने भी मठ मंदिरों पर संतों का स्वागत किया, साथ ही संतों का अंग वस्त्र प्रदान करके भी पूजा अर्चना की है। हमीरपुर में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं फायरिंग करने वाले युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही एएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, ग्राम बिलौटा की घटना है और ये थाना पुराना में पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति उमेश जो था वो अपनी पत्नी नेहा से बच्चों के खाना गिराने को लेकर विवाद हो रहा है, क्रासोनी हो रही थी पति पत्नी, और ये उमेश का भाई जो है वो जिसका नाम प्रतीक है वो भी मौजूद था। इसका चचेरा भाई है जिनका नाम राम प्रसाद है, उन्होंने थोड़ा इंटरफेयर किया, इसलिए आपस में इनमें झगड़ा हुआ और राम प्रसाद के द्वारा जो है ये उठाया जा रहा है कि फायर किया गया। इस पर रमेश और जो उमेश और इनके भाई जो प्रतीक थे, इन्होंने राम प्रसाद को दौड़ा लिया और उसी का तमंचा छीन करके उसके पट से और पत्थर से। औरैया में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संचालन की बागडोर नई कंपनी को सौंप दी गई है। इस पर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि नई कंपनी पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी कर रही है, उन्हें जल्द ही नई कंपनी द्वारा समायोजित नहीं किया जाता है। एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, इससे ALS 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा ठप हो जाएगी। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 102, 108 और ALS एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस समेत अन्य एम्बुलेंस जिसका संचालन जीवीके कंपनी के द्वारा किया जाता है। बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से इसका टेंडर अब दूसरी कंपनी को दिया जा रहा है। हमारा नाम करिश्मा है और CSC विदुना में ड्यूटी करती हैं, हेल्प डेस्क एमटी हूं। और सर ये जो हमारा यहाँ पे सर जो हमारी ALS कर्मचारी हैं उनको समायोजन किया जाए और इसीलिए ये सर हो रहा है धरना प्रदर्शन। फिरोजाबाद में SSP के निर्देशों पर चोरों और लुटेरों के खिलाफ अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है, जहां थाना मक्खनपुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से भारी मात्रा में तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस की पूछताछ फिलहाल जारी है। लुटेरों ने लाखों पैसों के हड़पने की बात को भी फिलहाल स्वीकार कर लिया है। ये एक हफ्ते का उनका पूरा ये काम है। एक दरोगा जी आए थे MP से, ट्रेन से आए, अपना वर्दी उतारे, झोला में रखे, ऑटो में बैठ गए। इतने सुंदर ऑटो हैं इनके कि कोई भी बैठ जाएगा उसमें, बहुत बढ़िया बनाया। बैठ गए, फिर इन्होंने उनको चाय वाय कुछ पिलाया, ऐसा कुछ करके बेहोश हो गए, उनको लूट लिया 1,18,000 रुपये और उनका आई कार्ड और उनका आधार कार्ड और उनका जो है कोई एक बैग था काला रंग का, ये सब लूट लिए। तो चिंता हुई, हम लोग शुरुआत किए तो ये पूरा गैंग 6 लोगों का है, इसमें एक मोटरसाइकिल वाला भी गैंग है जो ऑटो मोबाइल। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।